हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज मैं बना रही हूँ महाराष्ट्रियन रेसिपी पिठला। इसके लिए मैंने दो बड़े प्याज लिए काट के बारीक, और दो हरी मिर्ची, एक कटोरी बेसन, 80 ग्राम तेल, आधा चम्मच राई, थोड़ा हरा धनिया, मिर्ची को भी बारीक काट लेंगे। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। अब एक बाउल में बेसन लेंगे, नमक स्वादानुसार डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, फिर डेढ़ कटोरी पानी डालेंगे, डेढ़ से पौने दो कटोरी पानी डालेंगे। बैटर पतला होना, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। स्मूथ होना चाहिए, गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। अब तेल गरम कर लें, धनिया डाल दी, तेल गर्म हो गया, राई डाल दी। जब राई के पकने लगे तो हरी मिर्ची डाल दें, हरी मिर्ची को थोड़ी देर पका लें, और प्याज डाल दें। थोड़ी देर इसको भून ले। प्याज को ज्यादा नहीं भूनना है।
हाँ सब पका हो जाए तो बैटर डालना चालू कर देंगे। बैटर थोड़ा थोड़ा डालेंगे। चलाते रहना है नहीं तो घुटनियां पड़ जाएंगी। ऐसे ही चलाते रहे जब तक पानी नहीं सूखता। इसको ऐसे ही चलाते रहिए। ये बाजरे की रोटी के साथ अच्छा लगता है, गेहूं की रोटी के साथ अच्छा लगता है और इसको ऐसे भी खाया तो भी अच्छा लगता है। अच्छा सूखने तक चलाते रहिए। ये तेल नहीं छोड़ता है। अब तैयार है, बाउल में सर्व करेंगे। आप भी एक बार जरूर ट्राई करें महाराष्ट्र में टिकला और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।